इंग्लैंड में रात को 10 बजे तक वोटिंग होती है और यूके में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। ईवीएम वहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। जैसे भारत में झंडे हैं, जुलूस, जलसा वगैरह, वो बैलेट पेपर से वोट डाल रहे हैं तो वो हमसे पिछड़े ही हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि वहाँ वोटिंग टाइम क्या रहता है और इलेक्शन के दिन छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, पर कतारें नहीं लगती। लंदन से रणबीर सिंह पुरा आए हैं क्योंकि कंपेनिंग वहाँ पे डोर टू डोर और सोशल मीडिया पे होती है। वहाँ पे झंडे, पोस्टर, बैनर, इसका प्रभाव नहीं है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे भारत में झंडे हैं, जुलूस, जलसा वगैरह, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है वहाँ पे। अच्छा। ऐसा इसलिए नहीं है कि एक तो वेरी लिमिटेड उनका होता है। अच्छा, कि वो आप वहाँ पे जो उनकी कंपेनिंग भी जो है वो खाली वो बड़े साधारण तौर पे होती है। वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हो गए तो वो खुद ही जाके अपना बैलेट पे आपको पोस्टल लेटर डालेगा कि प्लीज वोट मी। अच्छा। या उसके सपोर्टर कुछ एरिया में डालेंगे। अच्छा, और वो होगा। और सबसे बड़ी बात जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं बताऊं वो ये है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि लंदन में आज भी बैलेट पेपर यूज होता है। अच्छा, हम लोग वहां पे बैलेट पेपर से वोट देते हैं। ईवीएम नहीं है? ईवीएम वहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। अच्छा, यानी अगर आप टेक्नोलॉजी में आप अगर आप देखें तो भारत वहां पहुंच चुका है। यहाँ पे किसी जमाने में सोचना भी मुश्किल था जी, तो भारत वहां पे पहुंच चुका है जी। तो यहाँ पे ईवीएम से वोटिंग होती है और यूके में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था जी, वो बैलेट पेपर से वोट डाल रहे हैं, वो हमसे पिछड़ गए। अवश्य अवश्य, अगर अब वो बैलेट पेपर से वोट डाल रहे हैं तो वो हमसे पिछड़े ही हैं। तकनीक के मामले में, मामले में बहुत पिछड़े हैं वो। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि वहाँ वोटिंग टाइम क्या रहता है सुबह से शाम तक? अब वोटिंग टाइम वहां पे आई थी, यहाँ पे मुझे यहाँ तक याद है और अभी भी है कि सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होती है। अच्छा, और वहां पे जो वोटिंग का पैटर्न है वो सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक वोटिंग होती है। अच्छा, रात 10 बजे तक? रात 10 बजे तक। लंदन में? लंदन की बात कर रहे हैं? मैं लंदन, पूरे ओवर ऑफ द इंग्लैंड में रात को 10 बजे तक वोटिंग होती है। अच्छा, और उसमें भी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि वोटिंग जो होगी वो वीकडे के में होगी, वीकेंड को नहीं होगी। कि वहां की गवर्नमेंट का मानना है सैटरडे संडे वो आपका अपना डे है, उसमें आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वीकडे में इलेक्शन होगा और इलेक्शन के दिन छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, ये भी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं। अच्छा, जैसे इस समय हम जम्मू से रणबीर सिंह पुरा में बैठे हैं, आज रमन भल्ला जी आ रहे हैं, कभी नरेंद्र जी आ रहे हैं, कभी पीडीपी के और सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, क्या इसी तरह वहां पे रोड शो, रैली चलती है या कोई अंतर है? नहीं, वहां पे ये सब चीजें नहीं चलती हैं। अच्छा, वहां पे कोई रोड शो या कोई रैली या कोई झंडे, कोई पोस्टर, कोई फ्लैक्स बिल्कुल नहीं। अच्छा, वहां का इलेक्शन का तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ये फिर प्रचार कैसे करते हैं वो लोग? प्रचार वहां पे जो है वो सोशल मीडिया के जरिए होता है। अच्छा, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे सारे उनके ब्लॉग्स आते हैं। अच्छा, प्लस उनका जो बैलेट डोर टू डोर की कंपेनिंग वही होती है वो। अच्छा अच्छा, मानी जैसे यहाँ हिंदुस्तान में कभी कोई शरारती तत्व किसी पार्टी के साथ जुड़ गया, लाठी चल गई, पत्थर चल गया, ऐसा वहां होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता वहां पे। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए कि जैसे हमारे यहाँ कतारें लगती है, एकदम लाइनें लगती है पोलिंग स्टेशन पे, ऐसा ही वहां पे है या वहां वोट कम पड़ते हैं? वोट पड़ते हैं पर कतारें नहीं लगती हैं, कतार नहीं होती है वहां पे। लंबा जो लंबा क्यू सिस्टम है वो नहीं होता है। अच्छा, वोट प्रतिशत कम है या क्या कारण है? वोट प्रतिशत नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू इंडिया समटाइम यहाँ पे भी वोटिंग कम होती है, वहां पे भी सेम पैटर्न है, वोटिंग कम होती है पर होती है, लोग वोट डालने जाते हैं। वो उनके लिए वोट डालना इज वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन के तौर पर होता है कि भाई मुझे वोट डालना है। और यहाँ पे भी मैंने देखा कि अब कुछ लोग अवेयरनेस हो रखे हैं कि वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज अपना वोट जरूर डालिए।